अगर दीपेंद्र सिंह एरी की इनिंग को देख के ना, ये विंसवर्ड जो टीम थी वेस्ट इंडीज की लोकल टीम, वो कह रहा होगा कि भाई नेक्स्ट टाइम से आप सबको भेजना, ये दीपेंद्र सिंह एरी जैसे खिलाड़ी को मत भेजना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कुशल भुरतेल 70 रन पे आउट हुआ ना, तब यहाँ पे ये लोग जो है वेस्ट इंडीज की लोकल टीम विंसवर्ड वॉलकैनोज, वो आप कह सकते हो खुशियां मनाने लगे। लेकिन फिर जैसे ही 19वें ओवर में 2 बैक-टू-बैक छक्के लग गए, तो भाई वो जो खुशियां थी ना वो दुख में चला गया। मतलब आप कह सकते हो कि दीपेंद्र सिंह एरी ने आज सिंगल हैंडेडली जो मैचेस नेपाल क्रिकेट टीम को जितवाया, सिंगल हैंडेडली। और अगर मैं किसी की तारीफ करूँ तो कुशल भुरतेल की करनी पड़ेगी, सोमपाल कामी की और दीपेंद्र सिंह एरी की। मैं कुशल भुरतेल सोमपाल कामी पे आगे आता हूँ, लेकिन पहले दीपेंद्र सिंह एरी की बात कर लेता हूँ। अब देखो, जब जब नेपाल क्रिकेट टीम मुसीबत में होती है ना, तब दीपेंद्र सिंह एरी आप कह सकते हो एक सेवियर की तरह आता है। मतलब वो एक हनुमान जी की तरह आता है और नेपाल क्रिकेट टीम जो है और इनको बचा के ले जाता है। आज भी नेपाल क्रिकेट टीम की इज्जत दांव पे थी और इस इज्जत को आज दीपेंद्र सिंह एरी ने बचाया है। मतलब वो लास्ट 19वें ओवर में 2 छक्के लगा के, जहां पे रिक्वायर्ड रन रेट 20 प्लस का था, वहां पे दीपेंद्र सिंह एरी ने इस तरीके की बैटिंग करके एक चीज तो प्रूफ कर दी कि वर्ल्ड कप में जो वो टाइगर जा रहा है ना, वो टाइगर भाई दहाड़ मारने वाला है। उस टाइगर के सामने वेस्ट इंडीज के जो ये बॉलर नहीं टिक पाए, तो फिर साउथ अफ्रीका के बॉलर क्या टिकेंगे, श्रीलंका के बॉलर क्या टिकेंगे, बांग्लादेश के बॉलर क्या टिकेंगे और नेदरलैंड के बॉलर क्या टिकेंगे। मतलब सबको यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी जो है वो फोड़ने वाले हैं। अब देखो, आज यहाँ पे मैचेस की अगर बात कर लो तो 197 रन का टारगेट जो है नेपाल क्रिकेट टीम को दिया गया था। सारे बॉलरों को जो है बहुत ही भयंकर तरीके से पीटा गया था ये विंसवर्ड वॉलकैनोज जो है उनकी तरफ से। और मुझे नहीं लगा था कि वेस्ट इंडीज की ये लोकल टीम जो है 197 रन का टारगेट नेपाल क्रिकेट टीम को दे सकती है, क्योंकि इनके जो हायर लेवल के प्लेयर्स है जैसे वेस्ट इंडीज की ए टीम, उनकी भी भाई इतनी मजाल नहीं होती थी कि वो इस तरीके से रन जो है दे, क्योंकि नेपाल के सामने उन्होंने स्ट्रगल किया था। लेकिन ये लोकल टीम होकर इतना टफ फाइट दिया, भाई मैं तो पूरा शॉक, मुझे लगा कि आज नेपाल क्रिकेट टीम हार गई, लेकिन मुझे एंड तक लग रहा था, जब तक दीपेंद्र सिंह एरी वो लंबे लंबे शॉट नहीं खेलने लगे, जब तक दीपेंद्र सिंह एरी वो बड़े बड़े शॉट नहीं खेल रहे, मुझे लगा था कि आज इज्जत दाव पे और आज मैचेस हारेंगे। लेकिन सोमपाल कामी का जो है थोड़ा आपको तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि सोमपाल कामी ने वो मतलब आप कह सकते हो पार्टनरशिप बिल्ड करी है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट इनिंग जो है कुशल भुरतेल ने खेला है, क्योंकि कुशल भुरतेल जो है वो आज सिंगल हैंडेडली जो है वेस्ट इंडीज की लोकल टीम को भाई धोया है। 70 रन का पारी खेल के गया है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाए। अब देखो, यहाँ पे जो बैट्समैन थे वो आए राम गए राम जैसे हो रहे थे, जैसे संदीप जोरा, रोहित पोडेल, उसके अलावा मैं बात करूँ तो अनिल शाह भाई फुलटॉस गेंद पे आउट होते हैं। बताओ, अनिल शाह फुलटॉस बॉल पे आउट होते हैं और ये मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग था कि वो फुलटॉस बॉल पे आउट हुए, जिस बॉल को छक्का मारना चाहिए था उस बॉल पे जो है अनिल कुमार शाह आउट होके गए। उसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे बाकी खिलाड़ी, गुलशन झा ने भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल भुरतेल ने आज यहाँ पे बता दिया है कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप में आ रही है और वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार है। वेस्ट इंडीज की ये जो लोकल टीम है वो काफी आप कह सकते हो खतरनाक जैसी मानी जाती है, क्योंकि भाई मतलब अभी तक तो नहीं मान मुझे लग रहा था, लेकिन आज का मैच देख के जो है मुझे लग गया कि भाई है यार इन लोगों में कुछ तो बात है, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो इंटेंट दिखाया है नेपाल क्रिकेट के प्लेयरों को और नेपाल को मजबूर कर दिया भाई कि वो मतलब इस स्ट्रगल में घुसे। बॉलिंग जो है कंडीशंस के हिसाब से करी गई, बॉलिंग लाइन लेंथ के हिसाब से करी गई, जिसके वजह से जो है नेपाल के बैट्समैन को बैटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। और आप ये कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। बाकी देखो, अभी 2 मैचेस और बाकी है। ये आप कह सकते हो आज का पहला मैच ही था, प्रैक्टिस मैच था, उतना ज़्यादा हाई मतलब आप कह सकते हो मैच नहीं था, लेकिन इसको हाई बनाया गया दीपेंद्र सिंह एरी की तरफ से, वो लंबे लंबे शॉट खेल के जो उन्होंने बनाए हैं, 3 छक्के लगाए के 19वें ओवर में उसके वजह से। बाकी इसको लेके आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दीपेंद्र सिंह एरी टाइगर की इनिंग आपको आज कैसी लगी वो भी बताना। मतलब मुझे तो भाई बहुत मजा आया, मतलब वो 19वें ओवर में जो रन रिक्वायर्ड रन रेट था उसको पार करके रन मारना, ये कोई नॉर्मल खिलाड़ी नहीं कर सकता, ये दीपेंद्र सिंह एरी कर सकता। और इसीलिए दीपेंद्र सिंह एरी को आई थिंक नेपाल में टाइगर कहा जाता है, क्योंकि वो कब दहाड़ मारे, कब अपने शिकार को पकड़ के भाई रगड़ दे, ये कोई नहीं जानता। इसको लेकर आप क्या क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।